हेलो स्टूडेंट, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में रतन टाटा जी के बारे में देखा है, सो कमिंग टू द अबाउट हिज नेक्स्ट व्यू ऑफ द लेसन रतन टाटा। ओके, इन 1982 हिज मदर वॉज डायग्नोस्ड विथ टर्मिनल कैंसर। ओके, टर्मिनल कैंसर। So, Ratan immediately flew with her to New York for her treatment. He stayed with her for 4 months till she lost the battle to the ravaging disease. Okay. So, in 1982 में रतन टाटा इनके जो मदर थे, माताजी, उनको क्या डायग्नोज हुआ? टर्मिनल कैंसर ये हुआ है। तो रतन टाटा ने इमिडिएटली उनको न्यूयॉर्क ट्रीटमेंट के लिए लेके गए और उनके साथ वो लगभग 4 महीने के लिए उनके साथ में ही थे, जब तक उनके माताजी उस कैंसर के बैटल से बैटल करती रही। ओके, ड्यूरिंग दिस पीरियड Ratan had plenty of time to think and to examine avenues for the Tata Group to branch into. Okay, during that 4 month period, Ratan Tata ji, okay, examined avenues for the Tata Group to branch into. The once dominant and monopolist group was now facing stiff कॉम्पिटिशन इन ऑल शेप ऑफ बिजनेसेस। ओके, तो उस पीरियड में उन्होंने बहुत एंगल से, बहुत व्यू से टाटा ग्रुप और उसकी जो ब्रांचेस है उसको जज किया, एग्जामिन किया है, क्योंकि उस वक्त उस टाटा ग्रुप को बहुत सारे स्टफ कॉम्पिटिशन से गुजरना पड़ा। ओके, रतन सेन सेट द कंज्यूमर रिवोल्यूशंस। ओके, तो कंज्यूमर रिवोल्यूशंस जो था उन दिनों, तो हिज टास्क वॉज टू कन्वर्ट द टाटा ग्रुप इंटू अ हाईली कॉम्पिटिटिव एंड डाइवर्सिफाइड ग्रुप ऑफ कंपनीज। ओके, ये कन्वर्शन करना था उनको हाईली कॉम्पिटिटिव ग्रुप में, टाटा ग्रुप को और उसके कंपनीज को डाइवर्ट करना था। यही उनका रीजन, यही उनका टास्क था। सो ही थॉट आउट अ प्रोसेस कॉलिंग इन टू द 1983 टाटा स्टैटिस्टिक प्लान एंड दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट इन द टाटाज हेरिटेज ऑफ मोर देन 100 ईयर्स। अ ग्रुप दैट हैड स्टक अ जेनेरिक बिजनेसेस विदाउट डाइवर्सिफिकेशन। ओके, विथ जे आर डी टाटा ग्रुप सपोर्ट्स टाटा डाइवर्सिफाइड इन टू कॉन्टेम्प्ररी इंडस्ट्रीज लाइक टेली कम्युनिकेशंस, सॉफ्टवेयर, बायोटेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। ओके, सो दीज आर द टाटा ग्रुप्स। ओके, तो इसमें उन्होंने डाइवर्ट किया है खुद का बिजनेस इस इंडस्ट्रीज में, कॉन्टेम्प्रेरी इंडस्ट्रीज, जैसे कि टेली कम्युनिकेशन में उन्होंने ये किया, सॉफ्टवेयर इसमें उन्होंने एक्सपांड किया बिजनेस, बायोटेक्नोलॉजी में और ऐसे बहुत सारे इसमें उन्होंने टाटा ग्रुप को एक्सपांड किया है। सो ही कंसोलिडेटेड दैट टाटा ग्रुप्स होल्ड ओवर इट्स नियर इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स कंपनीज वाइल क्रिएटिंग कल्चर ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। स्लोली द लेड बैक एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट चेंज। सो दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इफ यू वॉन्ट टू चेंज योर बिजनेस, यू वॉन्ट टू एक्सपांड योर बिजनेस इन द कॉम्पिटिटिव कल्चर, we have to slowly laid back attitude, employees and management change. तो ये बहुत ज़रूरी था
उन्होंने उन दौर में उस दौर में उन्होंने ये सब कुछ करना चाहा ग्रुप के लिए। सो इन 1991 जे आर डी टाटा स्टेप्ड डाउन एज अ चेयरमैन ऑफ द टाटा ग्रुप। 1991 में टाटा ग्रुप के जे आर डी टाटा ये क्या बन गए, चेयरमैन बन गए। नेमिंग रतन एज हिज सक्सेसर। ओके, तो दिस मूव क्रिएटेड वेव्स इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। देखो ये बहुत बड़ी सुनामी थी, ये बहुत बड़ा वेव था, किसका, बिजनेस वर्ल्ड का, उनके प्रति या फिर टाटा ग्रुप, ये बहुत बड़ा एक वेव थी, लाट थी, जैसे समंदर की लहर रहती है उस तरह से ये बिजनेस की लहर दुनिया में आई थी टाटा ग्रुप्स के रूप में। द डिसीजन वॉज क्रिटिसाइड बाय दोज हु फेल्ट रतन टाटा लैक्ड एक्सपीरियंस इन रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन एट द स्केल ऑफ टाटा कॉग्लोमेरेट ऑफ कंपनीज। सो लैक ऑफ एक्सपीरियंस रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, देखो लैक ऑफ एक्सपीरियंस रहने के बावजूद भी जो स्केल रहता है कंपनीज का, ऑर्गेनाइजेशंस का, तो इस कंपनी को लीडिंग करने वाले टाटा, रतन टाटा साबित हुए। सम इन्फ्लुएंशियल सीनियर एग्जीक्यूटिव्स एंड कंपनी हेड्स ऑफ द ग्रुप, टाटा ग्रुप, डिसएग्रीड विथ रतन टाटाज प्लान्स एंड हिज लीडरशिप इन जनरल। सो कभी ऐसा होता ही है, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई अगर अनएक्सपीरियंस पर्सन या फिर जूनियर पर्सन, इफ ही इज लीडिंग द रोल इन द कंपनीज, तो क्या होता है कि जो सीनियर्स रहते हैं, जो एक्सपीरियंस होल्डर रहते हैं, उनको वो खटकता रहता है या फिर वो डिसएग्री रहते हैं। वैसा ही हुआ रतन टाटा जी के बारे में भी। टाटा ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो उनके लीडरशिप को डिसएग्री करते थे, उनके जो प्लान्स थे उसको डिसलाइक करते थे। तो ये होना ही था, क्योंकि एक तरफ अगर पॉजिटिविटी वाले जो लोग रहते हैं, और तो दूसरी तरफ कुछ ना कुछ निगेटिविटी वाले भी लोग रहते हैं, तो ये सब कुछ उनको फेस करना पड़ा। सो हाउ एवर टाटा रिमाइंड अनवेविंगली ट्रू टू हिज विजन इन द फेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड अपोजिशंस। ओके, सो ही जस्ट फेस ऑल द कॉन्फ्लिक्ट एंड अपोजिशंस। तो उनको एक उस खुद का विजन ट्रू करने के लिए अपोजिशंस वाले को जो कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट मिलते थे, जो कुछ भी क्रिटिसाइज किया जाता था, उस सबको उनको फेस करना पड़ा। यूं ही सक्सेस नहीं मिलता है किसी को भी। ओके, सो ही मेड मेनी चेंजेस टू स्ट्रीमलाइन द ऑपरेशंस ऑफ द ग्रुप, फोकसिंग ऑन इनोवेशंस ऑफ इफिशियंसी। ओके, सो ही जस्ट चेंज मेनी स्ट्रीमलाइंस ऑपरेशंस। देखो उन्होंने बहुत सारे ऑपरेशंस चेंज किए हैं उसके साथ, जो कुछ भी ग्रुप में, जो कुछ भी, और खुद के इनोवेशंस पे और इफिशियंस पे, वर्क इफिशियंस पे, इफिशियंसी पे उन्होंने क्या किया है, फोकस किया है, तब जाके उनको इतनी बड़ी कामयाबी मिल पाई है। अदरवाइज दिस टाइप ऑफ सक्सेस इट विल नॉट गेन इन द लिमिटेड पीरियड। ओके, सो सब कुछ डिवोशंस दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, तो ये रतन टाटा जी ने किया है अंडर रतन टाटाज स्टीवर्डशिप। अ नंबर ऑफ एक्वाइजेशंस वेयर मेड विच टर्न टाटा फ्रॉम अ लार्जली इंडिया सेंट्रिक कंपनी इन टू अ ग्लोबल बिजनेस, विथ 65% ऑफ देयर रिवेन्यू कमिंग फ्रॉम अबोर्ड। सो वॉट इज हैपन वेन ही जस्ट वर्क डिवोशनली एंड विदाउट टेकिंग एनी निगेटिव व्यू ऑफ द अपोजिशंस। देखो तो उनके जो लीडरशिप में, उनके जो जो स्टेवर्डशिप में टाटा जी के अंडर जो कुछ भी एक्वाइजेशन हुआ है बिजनेस का, वो लार्जली इंडिया सेंट्रिक कंपनी इनटू व्हाट
ग्लोबल बिजनेस यानी टाटा कंपनी सिर्फ इंडिया के लिए ही सेंट्रिक नहीं हुई है, इंडिया सेंट्रिक थी, इंडिया के लिए लिमिटेड थी वो कंपनी, एब्रॉड में ग्लोबल बिजनेस किया है उसने। और 65% रेवेन्यू टाटा कंपनी का एब्रॉड से आने लगा उस वक्त। 65% रेवेन्यू कंपनी का वो इंडिया के बाहर से कंपनी को मिलना लगा, इतना उन्होंने कंपनी को, टाटा ग्रुप को क्या किया है, एक्सपांड किया है, उसको अच्छी तरह से हैंडलिंग किया है। सो टाटा टी एक्वायर्ड टेटली। ओके, टाटा टी क्या बन गई, टेटली बन गई, एक्वायर्ड किया उसने टाटा टी ने। देखो, सो वन ऑफ द लार्जेस्ट टी कंपनीज इन द वर्ल्ड, टेटली क्या बन गई, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड। सो टेटली टी, हम आज टीवी पे उसकी एडवर्टाइज देखते हैं, टेटली। सो टाटा स्टील एक्वायर्ड द कोरस ग्रुप। देखो, अभी टाटा स्टील, स्टील जो ये था कंपनीज, इंडस्ट्री थी, स्टील इंडस्ट्रीज, उसने क्या रूप धारण किया, कोरस ग्रुप में एक्वायर्ड किया उसने। एंड एंग्लो डच स्टील एंड एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर, देखो इससे उनका टाइप हुआ है, और ये इतना बड़ा उनका क्या हुआ है, बिजनेस एक्सपांड हुआ है टाटा ग्रुप का। देखो, द मैनेजर क्रिएटेड वन ऑफ द लेटेस्ट लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग एंट्रीज एंटिटीज इन द वर्ल्ड। देखो, तो ये क्या है, इट इज द मेजर, ओके, इट इज द लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनीज, ओके, इन द वर्ल्ड। देखो, अभी ये टाटा स्टील जो है, ये क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर बन गया है। टाटा मोटर्स एक्वायर जगवार लैंड रोवर। देखो, टाटा मोटर्स जगवार, जगवार की जो कार्स हम देखते हैं कि बहुत कॉस्टली कार मानी जाती है, या फिर उसके जो व्हीकल्स है वो बहुत ही कॉस्टली माने जाते हैं, लैंड रोवर ये भी बहुत यानी प्रेस्टिजियस क्या है, ये कंपनी है, फोर व्हीलर है की कंपनीज, विच प्रोड्यूसेस द जगवार एंड लैंड रोवर व्हीकल्स टू आइकॉनिक ब्रिटिश ब्रांड्स। देखो, ये बहुत बड़े ब्रिटिश आइकॉन, ब्रिटिश ब्रांड बन गए, बहुत बड़ा बन गया है ये दो, जो जगवार और लैंड रोवर, इसके व्हीकल्स क्या ब्रिटिश के बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है। सो दिस गेव द टाटा ग्रुप क्रेडिटिबिलिटी इन द पैसेंजर व्हीकल्स सेगमेंट। पैसेंजर व्हीकल्स के सेगमेंट में भी इसको, टाटा ग्रुप को बहुत क्रेडिटिबिलिटी मिली है। तो रिमेनिंग पार्ट, तो इस तरह से टाटा ग्रुप को रतन टाटा जी ने क्या किया है, एक्सपांड किया है। इंडियन सेंट्रिक जो कंपनी थी उसको क्या किया है उसने, ग्लोबल बिजनेस में कन्वर्ट किया है। ओके, सो रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन वी विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। ओके, नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में हम आगे वाला लेसन देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।